बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल काइटेक। मैं हूं कायद हुसैन, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद है अल्लाह से कि आप खैर व खैरियत से होंगे। अगर आपको विंडोज़ 10 पार्टीशन नहीं आती कि पार्टीशन कैसे आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आपको जाना है कहाँ पे, दिस पीसी पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज के बाद आप जाएंगे नीचे डेस्क मैनेजमेंट, इस पे डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो होंगे, ठीक है। सी ड्राइवर है, डी है, न्यू वॉल्यूम ई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये ई वॉल्यूम को जो है स्प्लिट करना चाहता हूँ, या आप डी भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे मैं ई का जो है कर लेता हूँ, तो इसमें राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लेता है इसमें। यहाँ पे जितना आप जो है डाटा देना चाहते, जितने स्पेस देना चाहते हैं वो आप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 GB का बनाता हूँ, तो 5000 लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है, 5000 लिखूँगा और नीचे जो है श्रिंक पे क्लिक करूँगा। श्रिंक कर दिया, ये देखें यहाँ पे स्प्लिट हो गया, एक और बन गया, इस फ्री स्पेस हो गया। अब इसको नाम दे देते हैं, न्यू सैंपल पे जाएं, यहाँ पे मैंने नाम दिया, नेक्स्ट करें, यहाँ पे ये नाम नेक्स्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, ये जी डिफ़ॉल्ट है, आप कोई भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट के बाद ये एंटी एफ एस, इस पर ही डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ दें, और ये भी डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दें। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम की जगह आप जो भी नाम रखना चाहें वो नाम आप रख सकते हैं उस ड्राइवर का। मैं यहाँ पे डेटा रख देता हूँ, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, सो डेटा लिख देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा जो है डी ड्राइवर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है कंप्यूटर के पार्टीशन कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब अपनी पार्टीशन गलत लगे कि भाई इसमें डाटा मैंने कम रखा है, ज़्यादा रखा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसी तरह दोबारा आपने कंप्यूटर पे जाना है, ठीक है, मैनेज पे जाना है और डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है, और इसमें जो आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल ये है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इस पर क्या करेंगे आप, इस पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे आना है आपने डिलीट वॉल्यूम, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और नीचे डिलीट वॉल्यूम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यस करें, ठीक है। ये अब जो स्पेस है ये फ्री हो गया है, ठीक है। अब इस स्पेस को आप किसी भी ड्राइवर में डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई में डाले या सी डी में डाल दें, सी में डाल दें, और यहाँ पे मैं ई में डाल रहा हूँ, तो ई में क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और नीचे यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर बता रहा है कि भाई ये जो डाटा है तो यहाँ पे इतना फ्री स्पेस है 5000 MB, और फिनिश कर दें, ठीक है। तो फिनिश कर दिया, अब ये डाटा दोबारा इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, ये आपको आनी चाहिए। विंडो टेन है और 7 है, इसी तरह 8 है, तो इसी तरह होता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा एक ट्रिक था जो कि मैंने ज़रूर समझा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर लेता हूं वो बआसानी आपको मिल सके। अगर इसी तरह आपको कोई और टॉपिक आपके जहन में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और इसमें बता दीजिएगा कि भाई मुझे इस पे वीडियो बना के दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।